अभी हम रघुनाथपुर स्टेशन पर हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आनंद विहार और कमाख्या के बीच में चलने वाली गाड़ी का और बक्सर से खुलने के बाद रघुनाथपुर स्टेशन पर इसका हो गया एक्सीडेंट है। तो आप लोग को दिखाते हैं पूरा, आप कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए, पूरा आपको दिखाते हैं। ये है कमाख्या आनंद विहार, जो कि आनंद विहार से कमाख्या के बीच में चलती है, गाड़ी संख्या 12505। ये गाड़ी आनंद विहार से खुलने के बाद अपने समय से एक घंटा डिले चल रही थी। गाड़ी का हो गया बहुत ज़्यादा दर्दनाक, जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस का हुआ था पूरा वैसे ही दर्दनाक। देखिए गाड़ी ये सीधी जा रही थी ना, और दर्दनाक सीन हुआ है कब, एसी वाला जो एसी बहुत खतरनाक इसका पलटा हुआ है, पूरा दिखाते हैं वहाँ से एसी कैसे इसका पलटा हुआ है, पूरा देखिए गाड़ी के, देखिए गाड़ी कैसे पूरा हिल गई है, पूरा दिखाते हैं आगे से आपको, पूरा देखिए। पूरी देखिए ये है स्लीपर S1, और देखिए गाड़ी कैसी, इतना बहुत तेज में थी गाड़ी, पूरा इसका चक्का उका स्प्रिंग जितना भी होता है सब चीज निकल गया, चक्का उका व्हील सब टूट टाट के एकदम बराबर हो गया, पूरा देख रहे हैं ना। आपको थोड़ा सा अंदर से भी दिखाते हैं क्या सिचुएशन है, कैसा है इसका। और देखिए कमाख्या आनंद विहार, और यहाँ से इसका लगा था AC। आगे से आपको दिखाते हैं इसका लोकोमोटिव कैसा बहुत ज़्यादा दर्दनाक हुआ है। ऐसा रेलवे में बार बार सुनने में आ रहा है कि इस गाड़ी का हो गया, उस गाड़ी का हो गया, जो कि पूरा गाड़ी अपने रफ्तार में थी और गाड़ी के बक्सर्स खुलने के बाद एक ही में आरा में स्टॉपेज था। पूरा देखिए गाड़ी पटरी जो इसका है ना, पटरी भी टूट गया है, गाड़ी इतना स्पीड में थी कि पूरा पटरी भी टूट गया, सामने देखिए वहाँ से पटरी टूट गया है, और गाड़ी इस लाइन पर जाना चाहिए, इस मेन लाइन पर, और गाड़ी चल गई है उस लूप लाइन पर, जो कि गाड़ी को यहाँ पर क्रॉसिंग करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, गाड़ी चल गई थी। और देखिए उधर भी सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मीडिया से लोग आए हैं, और दिखाते हैं पूरा, पीछे तो जाना अलाउ नहीं है, जो कि भोर में हम सुबह 3 बजे में अपना जगह हैं, तो पूरा देखिए अपडेट मिला है, और लेकिन ये हुआ है कांड 11 से 12 बजे के बीच में, और पूरा पीछे तो अलाउ नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा आगे से दिखाते हैं, अंदर से देखिए पूरा अंदर में सभी लफड़ा थपड़ा जूता चप्पल सभी यहाँ पर पूरा फैला हुआ है, लोग कैसे कैसे जान भाग बचे हैं, पूरा खैनी के चुनौती, पानी का बोतल, सब चीज़ पूरा एकदम, इतना कहिए ना क्या बताया जाए। देखिए बिल उल जितना भी है पेंटी स्टाफ का, और पूरा एकदम कहिए मत, ये जनरल कोच है, ये स्लीपर नहीं है। और देखिए पूरा दरवाज़ा टूट गया है लैट्रिन का, बाथरूम का, और देखिए पूरा ये शीशा है टूट काट करके एकदम बराबर हो गया है, और देखिए कहिए मत, पूरा दर्दनाक वाला सीन हो गया है। पूरा ये है इसका टूट, चावल पानी सब चीज़ पूरा, जो लोकोमोटिव क्या बोलते हैं कोच के जोड़ने वाला होता है, कपलिंग करने वाला, कपलिंग भी इसका टेन हो गया है पूरा। पूरा देखिए इसका वॉशरूम है, जो कि उसका पूरा कंडीशन दिखाया है, पूरा शीशा एकदम चकनाचूर, इतना तेज हुआ है ना गाड़ी, करीब 120-130 की स्पीड में चल रही थी, और लोग अपना सामान रखे थे पूरा, ये आपको पता होगा लोग दिल्ली से आते हैं कहीं से आते हैं, ये वाला डब्बा लेकर आते हैं जरूर है, और पूरा एकदम कहिए मत, पूरा एकदम कोच लबालब भरा हुआ था पूरा, लोग इधर से उधर भागे, किसी का रोटी छिटा है, किसी का चना, किसी का मक्का, किसी का पानी का बोतल, कुछ कुछ, और बाहर गाड़ी इधर पूरा एक कोच है ना, जो कि जनरल और स्लीपर के बीच में के दूरी मेंटेन करता है, तो S1 है स्लीपर है, और ये है S2, और जो कि इसको देखिए एक ऐसे गाड़ी यहाँ से पूरा ऐसे हो गई है, और होने के बाद गाड़ी उधर चल गई है, उधर पूरा खतरनाक वाला नम सीन हो गया है, पूरा खाना पीना रोटी वोटी, अभी स्लीपर कोच में हैं हम लोग, और सभी लोग डायरा डायरी जितना भी लोग हैं सब भाग के इधर उधर बचाव किए हैं। ये देख रहे हैं ना कैसे कैसे एकदम पूरा दर्दनाक एकदम हुआ है, पूरा पटरी इधर से उधर, जितना पटरी इतना मजबूत होता है इसका कि कहिए मत, इतना बहुत ज़्यादा क्या बताया जाए। ये देख रहे हैं ना ये लाइन, ये बहुत ज़्यादा टूट टाट के पूरा बिखर गया है पूरा। आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिए हैं, अपना बता दिए हैं कैसे कैसे क्या हुआ है, लेकिन हम इसमें ओपिनियन नहीं दे सकते हैं कि पूरा डिटेल में कैसे उस है, लेकिन दिखा दिए स्थल पर आके कैसे ये हुआ है, कब हुआ है। तो चलिए वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक मत कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जो कि सबके पास पहुँच जाए, जो भी घर परिवार होंगे वो कि उनका मिल जाए इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अभी मिलते हैं, इसका पूरा वीडियो दिखाते हैं अच्छी तरह से।